नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों BSTC काउंसलिंग 2021-22 को लेकर आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है। सेकंड लिस्ट जारी करने को लेकर और कितनी आपकी कट ऑफ आपको दोस्तों देखने को मिली है और कितने नंबर पर आपको मिनिमम नंबर पर कॉलेज है वो अलॉट हो गई है। SC ST जनरल OBC सभी की कट ऑफ इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। इसी के साथ क्या तीसरी लिस्ट जारी होगी, अभी कितनी सीटें खाली बची हुई हैं दोस्तों, पूरी जानकारी इस वीडियो में। साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को पूरे जरूर देख लेना ताकि दोस्तों आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो BSTC की काउंसलिंग की बात करूं दोस्तों, तो काउंसलिंग की जो डेट थी आपकी वो 15 फरवरी थी। 15 फरवरी तक आप इसमें कॉलेज में विकल्प भर सकते थे, इसमें रिकाउंसलिंग भी करा सकते थे और नए छात्र भी काउंसलिंग में शामिल हो सकते थे। लेकिन दोस्तों इस बार जो आपकी BSTC की जो सेकेंड लिस्ट है वो काफ़ी समय बाद दोस्तों हो चुका है, लगभग 2 महीने का समय हो गया है। कॉलेज जुड़ी थी इस वजह से आपकी दोस्तों देरी हो रही थी। आपको कॉलेज चेक करने के लिए गेट अलॉटमेंट रिजल्ट की लिंक पर क्लिक करना होगा। इसके बाद रोल नंबर, एप्लीकेशन या डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप अपने दोस्तों कॉलेज है वो चेक कर सकते हैं। अगर आपको कॉलेज अलॉट होती है तो कॉलेज का एड्रेस, कॉलेज का नाम और दोस्तों आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर भी देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर आपको कॉलेज में रिपोर्टिंग करनी होती है, सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं ऑनलाइन। और आपको जो कॉलेज की फीस है तकरीबन आपकी 13,000 फीस है दोस्तों, वो इसमें जमा करानी होती है। तो ये पूरा प्रोसेस रहता है कॉलेज मिलने के बाद। चलिए अब चलते हैं ऑफिशियली वेबसाइट पर। तो दोस्तों ऑफिशियली वेबसाइट पर आ चुका हूँ मैं। ऑफिशियली वेबसाइट पर यहाँ पर आपको ऑप्शन देखा जाता है इंस्टीट्यूट अलॉट रिजल्ट पर, इस पर से आप चेक कर सकते हैं। अभी दूसरी लिस्ट दोस्तों आज शाम को जारी होने वाली है और इसकी अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर टोल फ्री नंबर दे रखे हैं, इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैंने जब इनसे कॉन्टैक्ट किया तो उन्होंने बताया कि आज शाम तक आपकी दूसरी लिस्ट है वो जारी कर देंगे। और तीसरी लिस्ट भी आई क्योंकि अभी टोटल तकरीबन 7 या 8 सीटें बची हुई हैं, इनमें से 5 या 8 सीटों पर दोस्तों जो है आपकी काउंसलिंग है वो हो जाएगी। तो सेकंड लिस्ट में 5 या 8 सीटें भर जाएंगी। इसके बाद 2,000 सीटों पर आपकी दोस्तों नेक्स्ट जो तीसरी लिस्ट है वो निकाली जाएगी। अगर टोटल सीट का 2% सीटें भी खाली बचती हैं तो अगली काउंसलिंग है वो कराई जाती है। तो इस प्रकार से आपका पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों राजस्थान BSTC को लेकर। और जल्द ही आपकी दूसरी लिस्ट आज शाम तक आपको देखने को मिल जाएगी। इसके बाद आपको रिपोर्टिंग करने का समय मिलेगा 10 दिन का और तीसरी लिस्ट इसके बाद जारी होगी। तो ये पूरा प्रोसेस रहेगा दोस्तों। अब इसमें आप कॉलेज बढ़ा नहीं सकते हैं, यानी कि तीसरी लिस्ट में अगर आपको दूसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं मिलती है तो आप तीसरी लिस्ट में कॉलेज नहीं बढ़ा पाएंगे। जो आपने कॉलेज बनी है उन्हीं के आधार पर तीसरी लिस्ट जारी की जाएगी। कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात कर लेता हूँ। जनरल कैटेगरी की बात करूँ तो 350 पर, OBC की बात करूँ दोस्तों तो 330 पर, और SC की बात की जाए तो दोस्तों SC में भी आपकी 325 पर, और ST कैटेगरी में 315 और 320 के मध्य आपको कॉलेज है वो अलॉट हो जाएगी। मेल फीमेल में 10 से 15 नंबर का अंतर आता है। तो दोस्तों शाम का इंतजार रहेगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। दूसरी लिस्ट आते ही मैं तुरंत लाइव आकर अपडेट करूंगा। जय हिंद, वंदे मातरम।